केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आई एम एट A1 इंडिया होम्स एंड टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड TTCP एंड रेरा अप्रूव्ड वेंचर कुतुब वैली ऑन कोत्तूर रोड विद स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज। एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। JP दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। KTR ने मौजूदा रियासती हुकूमत की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया है कि KCR की क्यादत में फॉक्सकॉन के साथ 1,00,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए एग्रीमेंट किया गया था। ताहम KTR ने इस बारे में शकूक व शबाहत पैदा किए कि आया कंपनी रेवंत रेड्डी के अल्फाज और इंतजामी नाकामियों की वजह से पीछे हट गई। KTR ने रोशनी डाली कि फॉक्सकॉन ने चीन के बाद बेंगलोर में अपना दूसरा सबसे बड़ा कैंपस कायम करने के मंसूबे का ऐलान किया। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत तेलंगाना में फॉक्सकॉन की सरमायाकारी और इसकी तौसी मंसूबों के बारे में हकीकत को जाहिर करें। हैदराबाद में हफ्ते के आखिर में सोने की कीमतों में इजाफा देखने में आया। इतवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,770 रुपए तक पहुंच गई। ये जुमा की कीमत 71,620 रुपए से 1,150 रुपए का इजाफा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 66,700 रुपए हो गई, जो कि गुज़िश्ता 65,650 रुपए की कीमत से 1,050 रुपए के इजाफे को जाहिर करती है। रियासत में महीने के दौरान बिजली की खपत में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे रियासती बिजली की तकसीम कार कंपनियों डिस्कॉम को मुतालबा पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बिजली की खरीदारी के लिए जाना पड़ता है। बिजली की औसत खपत जो जुलाई में यौमिया 180 मिलियन यूनिट थी, पिछले एक हफ्ते में 290 मिलियन यूनिट से ऊपर हो रही है। इसी तरह चोटी की तलब जो जुलाई में 10,000 मेगावाट से कम थी, अगस्त में 14,000 मेगावाट से तजावेज कर गई। गुरुकुल टीचर उम्मीदवारों ने इतवार को यहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहायशगाह के बाहर एक और एहतजाजी मुजाहरा किया और अपॉइंटमेंट्स की मांग की। इन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो डाउन मेरिट लिस्ट जारी करे और मुख्तलिफ महकमों के तहत तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 2500 खाली आसामियों को पुर करने के लिए भर्ती करे। अम्बली कोर्ट ने पीर 19 अगस्त को फोन टैपिंग केस में मुलव्वस ACP भोजना राव को जमानत दे दी। राव को 15 दिन की जमानत इस वक्त दे दी गई जब इसने अपनी सबका तिबी तारीख पेश की, जिसमें वो दिल के इलाज से मुतालिक थे और दावा किया था कि मजीद इलाज की जरूरत है। 23 मार्च से राव पुलिस अफसरान की इस टीम का हिस्सा होने के इल्जाम में जुडिशियल रिमांड में है, जिन्होंने मुबैना तौर पर सियासतदानों को फोन टैप करने की साजिश की। कांग्रेस हुकूमत ने पीर को इस वक्त सख्त तनकीद की जब जिला के मकलूर मंडल के माधापुर गांव में एक नौजवान किसान को इस बुनियाद पर फसल कर्ज माफी से इंकार कर दिया गया जब वो सरकारी मुलाजिम है। रुधा समन, जिसने एक बैंक से 1,92,000 का कर्ज लिया, इनको एग्रीकल्चर ऑफिशियल ने ये इत्तला दी कि वो फसलों के कर्ज की माफी का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि किसानों की मालूमात के दस्तावेज में इनकी शिनाख्त एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर की गई। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तजवीज़ पेश की है कि रियासती हुकूमत को हैदराबाद के टाइम बंड में सरदार सरवाई पन्ना का मुजस्मा नस्ब करना चाहिए। सरदार सरवाई पापन्ना जयंती में शिरकत करते हुए KTR ने कहा कि मुजस्मे की तनसीब के अलावा किसी एक अजला का नाम पापन्ना के नाम पर रखा जाना चाहिए। ये तकरीबात इतवार को श्रीसल्ला कस्बे के नोहाई में पहली बाईपास रोड पर मुनक्किद की गई। अवाम के लिए हाई अलर्ट, तेलंगाना पुलिस ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वाडाकारा ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया, जो एक बड़े फ्रॉड का पता चलने के बाद फरार थे। साबिक मैनेजर को जल्द ही केरला पुलिस की खसूसी टीम तेलंगाना पुलिस की तहवील में लेने के बाद कोझीकोड लाएगी। पिछले हफ्ते कोझीकोड जिला की वाडाकारा पुलिस ने नए मैनेजर की शिकायत की बुनियाद पर रिटायर होने वाले ब्रांच मैनेजर MJ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के जोधपुर में दिल दहलाने वाला वाकया आया पेश। जोधपुर के देवी नगर थाने इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची की इज्जत रेजी की गई और इसके बाद दरिंदा सिफत मुलजिम ने लड़की को मंदिर के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। मुतालिका ACP अनिल कुमार ने कहा कि लड़की का खानदान जोधपुर में भीख मांग कर गुजारा कर रहे थे। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वाकये की शाम लड़की के माँ बाप मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, जब वो अपनी बेटी को इनकी झोपड़ी में छोड़ दिए थे। मुमकिन है कि इस दौरान मुलजिम ने इसे चॉकलेट या टॉफी खिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और जुर्म का इर्तिकाब किया।
मार्केट में ना जाने कितने नकली प्रोडक्ट फरोख किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बेजोरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया। यहां पुलिस के रिटायर मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन खरीदा, लेकिन जब इन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो लहसुन नकली निकली। ये लहसुन सीमेंट की बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश के कोंडा जिला में एक चौंका देने वाला वाकया आया सामने। कोंडा जिला में एक सफाई कर्मचारी के करोड़ों रुपए की जायदाद का इंशफाक हुआ। इस वाकये के मंजर आम आने के बाद हुक्काम भी हैरत ज़दा रह गए। तफसीलात के मुताबिक संतोष कुमार जायसवाल बल्दिया बंदा में सफाई वर्कर के तौर पर काम करते थे। बाद अज़ा कवायद की खिलाफ वर्जी करने पर इन्हें कमिश्नर के दफ्तर में स्वीपर का काम दिया गया। संतोष कुमार जायसवाल ने यहाँ सरकारी फाइलों में तब्दील करते हुए करोड़ों रुपए कमाए। नासा के मुताबिक 19 अगस्त को सुपर ब्लू मून दुनिया भर में नजर आएगा और आइंदा 3 दिन तक इसका नजारा किया जा सकेगा। इतवार से लेकर चारशंबे तक फुल मून का नजारा किया जा सकेगा। 2024 के बाकी 3 सुपर मून 17 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। रक्षाबंधन, जिसे राखी पूनम भी कहा जाता है, फुल मून के दिन ही मनाई जाएगी। किसी भी सीजन में फुल मून या तीसरे फुल मून को इस वक्त सुपर ब्लू मून कहा जाता है, जब वो जमीन के 90% करीब पहुँच जाता है। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की रिहायशगाह की तस्वीर हासिल कर ली है, जिसकी तस्वीर मंजरे आम पर आने के बाद इसराइली फौज चौकस हो गई है। नेतन्याहू की रिहायशगाह की ड्रोन से ली गई तस्वीर के सिलसिले में इसराइली अखबार ने इतवार के रोज इत्तला दी है कि लबनानी ग्रुप हिज़्बुल्लाह के तिल अबीब के शुमाल में वाक़े कैसरिया में वजीर आज़म नेतन्याहू की रिहायशगाह की फुटेज हासिल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन फौज ने रूस के जुनूबी मगरबी इलाके में अहम पुल तबाह कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक यूक्रेनी फौज के हाथों तबाह किया गया पुल दरियाए सीम पर बना हुआ था। रूस के क्रॉसिक इलाके में पुल की तबाही से इलाके की जमीनी राबता मुनकते हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉसिक में यूक्रेनी फौज ने सैकड़ों रूसी फौजियों को कैदी बनाने का दावा किया है। ताइवान में ताकतवर जलजले के बाद जमीन लरस उठी। अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ताइवान के मशरकी साहिल पर जुमा के रोज 6.1 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। जजीरे की सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इब्तदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 6.3 बताई गई थी और अहवालियन शहर के करीब 15 किलोमीटर की गहराई में जलजले के झटके महसूस किए गए। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मन चाहा प्यार, शादी ना होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुदकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% लाभం గ్యారెంటీ తో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయ్యింది. నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను, కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను, కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాట వినేవాడు, కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।